नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेताल पच्चीसी नामक ग्रंथ से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पापी कौन। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके व्रज मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोर कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पंछी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर में बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर राजकुमारी ने अपने जूड़े से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा, अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया और अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना, वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी से फूल उठा, बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ पहुँचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा चला रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होती है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है, मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई हूँ, बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है, दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में चली जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ और राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हारा तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें, उसने दसों उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी, इससे मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीच जाने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद फिर से बुढ़िया ने राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई।
राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर से राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीज़ें रखी थीं। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। उसको चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कैसा होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने उनके दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में भी बताया है, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो, तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो और अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार ने वो गहने महल के पास एक रहने वाले सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को
डाकनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डाकनी आई और मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाई जांग देखें कि कहीं राजकुमारी की जांग में त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाई जांग पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गौ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले गए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।